क्या आज का मनुष्य सच में अपने आसपास के प्रकृति और पर्यावरण के महत्व को समझ पाया है? क्या व्यक्ति चांद तारे, सूर्य आकाश, शीतल पवन, लहलाते हुए सुंदर वृक्ष, गीत गुनगुनाते हुए पक्षी और असीम समुद्र के विषय में सच में समझ पाया है? अगर सच में बात करें दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग का मनुष्य प्रकृति को बहुत ही साधारण और तुच्छ समझने लगा है, क्योंकि प्रकृति हर जगह मौजूद है, इसलिए लोग इसे आसानी से मिलने वाला एक तुच्छ वस्तु समझने लगे हैं। हो सके आपको मेरी यह बात बुरी लगे, परंतु यह इस संसार का एक सबसे बड़ा सच है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और वन हिंदी की YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकृति और पर्यावरण के विषय में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रकृति को एहसास करना और इसे समझना हर किसी व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। आज की इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपना ज्यादा समय टेलीविजन देखकर और इंटरनेट चलाकर बिताते हैं। ज्यादातर वह घर के अंदर ही रहकर अपना समय बिताते हैं। यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी को जागृत करता है। अपने काम के साथ साथ कुछ दिन के लिए हमें प्रकृति का भी आनंद लेना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही वह शक्ति है जो हमें इस विश्व में सब कुछ प्रदान करती है, चाहे वह हमारा खाना हो या हमारा जीवन। प्रकृति में वह शक्ति होती है जो शरीर से कई प्रकार की बीमारियों को दूर कर देता है। हरियाली से मन का तनाव कम होता है और दिमाग को शांति मिलती है। इसलिए अगली बार एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, अगर आप पर काम का बोझ ज्यादा है या ज्यादातर समय अगर आप मानसिक तनाव से घिरे रहते हैं, तो अपने मन को शांत करने के लिए प्रकृति का आनंद जरूर उठाएं। मनुष्य को कभी भी प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। आज के मनुष्य को लगता है कि प्रकृति को उसके अनुसार होना चाहिए, जो कि सबसे बड़ी गलत बात है। हम मनुष्य हमारे प्रकृति के अनुसार जीवित रहने के लिए बने हैं, ना कि इसमें अपने अनुसार कुछ बदलाव करने के लिए। प्रकृति हमारा सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि हम इस ग्रह पृथ्वी पर रहते हैं और इसके सभी क्षेत्रों में प्रकृति का सौंदर्य देखने को मिलता है। प्रकृति से ही हमें पीने को पानी, शुद्ध हवा, जीव जंतु, पेड़ पौधे, अच्छा भोजन और रहने को घर मिलता है, जिससे मनुष्य एक बेहतर और अच्छा जीवन व्यतीत कर पाता है। हर एक मनुष्य को पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़े बिना इस सुंदर प्रकृति का आनंद उठाना चाहिए। पर्यावरण और प्रकृति के विनाश को रोकने के लिए हमें इसे स्वच्छ रखना होगा। प्रकृति ईश्वर द्वारा प्रदान किया हुआ एक अद्भुत उपहार है। प्रकृति इतनी सुंदर है कि इसमें ऐसे ही कई महत्वपूर्ण शक्ति सम्मिलित हैं जो हमें खुशी और स्वस्थ जीवन प्रदान करते हैं। हमारे प्रकृति ने हमें कई प्रकार के फूल, पक्षियां, पशु, पेड़ पौधे, नीला आकाश, जमीन, नदियां, समुद्र, पहाड़ प्रदान किए हैं। भगवान ने इन सभी चीजों का निर्माण मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया है, इसलिए हमें कभी भी इन प्राकृतिक संपदाओं को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारे प्रकृति और पर्यावरण ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है, परंतु मनुष्य ने हमेशा इसे बर्बाद ही किया है। मनुष्य ने पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे कई प्रकृति के लिए विनाश करने वाले कारणों को अपने लाभ के लिए उत्पन्न किया। आज के टेक्नोलॉजी की दुनिया में कई नए आविष्कार किए जाते हैं, परंतु इन आविष्कारों से प्रकृति पर क्या असर पड़ेगा यह कोई नहीं सोचता है। इसलिए कुछ भी करने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि वह काम करने से पहले प्रकृति को लाभ होगा या हानि। हमें जितना हो सके अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए और अपने क्षेत्र में वनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिदिन लाखों करोड़ों घर बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए लाखों करोड़ों पेड़ों की कटाई हो रही है। ऐसे में प्रतिदिन हमें नए पौधे लगाना बहुत ही जरूरी है, ताकि प्रकृति में पेड़ पौधों का संतुलन भी बना रहे। प्रकृति और पर्यावरण के लिए मनुष्य का जितना महत्व है, उतना ही जीव जंतुओं का भी इसमें महत्व है। पृथ्वी में अगर जीव जंतु ना हो तो पृथ्वी में जीवन असंभव है। इसलिए हमारे प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए जीव जंतुओं की सुरक्षा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी कारण विश्व के कई देशों में वन्य अभयारण्य बनाए गए हैं, ताकि जीव जंतु सुरक्षित रह सकें। साथ ही सभी देशों में जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए सरकारी संस्थाएं भी मौजूद हैं, जो उस देश में रहने वाले जानवरों की देखभाल करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान देकर हम अपने प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे पेड़ों की कटाई बंद करके हम पेड़ पौधों की रक्षा कर सकते हैं, वृक्षारोपण करके मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के द्वारा हम अपने प्रकृति के सुंदर समुद्र, नदियों और ओजोन परत की सुरक्षित कर सकते हैं। हमें अपने आसपास के प्रकृति को स्वच्छ रखने में अपना पूर्ण योगदान देना चाहिए।
सभी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए जरूरत के सभी कदम उठाने होंगे। अपने स्वार्थ के लिए हमें प्रकृति के संतुलन को कभी भी नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में यही मनुष्य के विनाश का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। अंत में मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा, हमें अपने प्रकृति के देने का सम्मान करना चाहिए और प्रकृति का उपयोग नियम अनुसार करना चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।